जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का आज की इस नई क्लास में हार्दिक स्वागत है। हम एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड कुछ जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। सो आज की क्लास के एक बार फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी स्टैटिक जीके की एक क्लास रहेगी। इम्पोर्टेंट सीरीज आपके लिए विजयपथ एजुकेशन के द्वारा स्टार्ट की गई है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसी लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर्स में आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है, रेलवे के डिफरेंट एग्जाम है या फिर एसएससी जीडी के एग्जाम है। तो महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था। ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर रहेगा 1001 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पहली बार, फर्स्ट टाइम जो है वो भारत पर आक्रमण किया था। अब इससे रिलेटेड कुछ हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का महत्वपूर्ण शासक था, यानी कि जो महमूद गजनवी था वो कहां का एक मुख्य शासक था। अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का सबसे फेमस क्या था, शासक था, जो पूर्वी ईरान में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता था, यानी कि उसने अपना पूरा का पूरा राज्य जो था वो फैला लिया था। कहां पे, पूर्वी ईरान में। 998 यानी कि 998 ईस्वी में जब महमूद गजनवी सिंहासन पर बैठा, यानी कि जब इसने अपनी राजगद्दी को संभाला, तो उसने प्रत्येक वर्ष भारत पर जो थे वो आक्रमण करने की प्रतिज्ञा ली थी। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये सिंहासन पर कब बैठा था, इसीलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में ये नॉलेज शेयर किया जा रहा है। 998 ईस्वी में पहली बार महमूद गजनवी जो था वो अपनी गद्दी पर बैठा था, उसने सिंहासन जो था वो हासिल किया था और उसने उसी समय ये सोच लिया था कि भारत पर जो है वो उसको आक्रमण करना है, और उसने 1001 ईस्वी में पहली बार भारत पर जो है वो आक्रमण कर दिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फर्स्ट सेट ऑफ अग्निवीर्स विल ज्वाइन देयर सर्विस, यानी कि अग्निवीरों का प्रथम समूह अपनी सेवाएं कब शुरू करेगा। अग्निवीर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेटेस्ट 2023 का क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अग्निवीर आप सभी को पता है 4 साल की आर्मी की सेवाएं हैं, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहला जो अग्निवीर का समूह है उसने अपनी सर्विस कब जो है वो इंडिया के लिए जो है वो स्टार्ट की थी। ऑप्शन है 23 जून, 23 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 23 अप्रैल। फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 23 जून को जो है वो पहला अग्निवीर का जो समूह है उसने स्टार्टिंग की थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डिटेल के बारे में जानते हैं। 23 जून 2022 से अग्निवीर ने अपनी सेवाएं जो थी वो शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था। आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से, इल्तुमिश, खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर रजिया सुल्तान। तो मामलुक जो राजवंश था उसकी स्थापना इन 4ों में से किसने की थी। इसका राइट आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, काफी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक से बनते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में जो गुलाम वंश था उसकी जो थी वो स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इसने 1290 ईस्वी तक जो था वो भारत में शासन किया था। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन रहेगा, इल्तुमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। देखिए, जब इल्तुमिश आया था क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि जब उसका शासन काल था, यानी कि उसने जब शासन किया वो गद्दी पर बैठा था, तो सल्तनत की यानी कि जो उसकी राजधानी थी उनमें से कौन सी थी, आगरा, लाहौर, बदायूं या फिर दिल्ली। इन 4 ऑप्शंस में से आपको आंसर बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो दिल्ली जो थी वो इसकी क्या थी, राजधानी थी।
यहाँ पे डिटेल है, आप इस चीज को जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो नोट कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गोहर खान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। देखिए लंबा क्वेश्चन है और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप ये देखेंगे कि हाँ बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन करने, तो ऐसा नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो काफी डिटेल लेवल के एसएससी है या फिर रेलवे का एग्जाम है, एमटीएस है, जीडी है, सीएचएसएल है, इन एग्जाम में आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसके साथ था, जानकी बाई, दूसरा है अल्लाह जिलाई बाई, तीसरा है अनुपमा और फोर्थ है यहाँ पे आपके पास शोभा अभ्यंकर। तो इन चार ऑप्शंस में से आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जानकी बाई जो है वो इसका क्या है राइट आंसर रहेगा। इलाहाबाद की हिंदुस्तानी गायिका जानकी बाई को उनकी प्रसिद्ध समकालीन गोहर खान के साथ 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, तो जो सम्राट आए थे जॉर्ज पंचम के साथ, उनको प्रदर्शन करने का जो है वो मौका मिला था, सौभाग्य प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत का ताज ग्रहण किया था। जो राजा थे किंग जॉर्ज पंचम, उन्होंने किस साल में भारत का ताज ग्रहण किया था, ये आपको बताना है, 1917 में, 1923, 1906 या फिर 1911 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1911 में जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया था उसी समय जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज ग्रहण किया था। यहाँ पे डेट देख सकते हैं आप, 22 जून 1911 को दिल्ली दरबार में अपनी भारतीय प्रजा के सामने भारत के राज मुकुट से राज तिलक इनका करवाया गया था, यानी कि भारत का जो ताज है वो उनके सर के ऊपर लगाया गया था। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। पिछले कल की क्लास में भी आपको बताया था कि 1911 में उसकी सिर्फ घोषणा की गई थी, लेकिन प्रॉपर ढंग से स्थानांतरित कब हुई है राजधानी, 1912 में। तो दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्रों से रिलेटेड, नाथुला दर्रा कहाँ पे है, यहाँ पे कंट्री आपको पूछिए, नाथुला दर्रा कहाँ पे है, पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में या फिर हमारे भारत में। पिछले कल की क्लास में भी दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन था, द राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया यानी कि भारत। तो नाथुला दर्रा जो है वो आपका पड़ता है सिक्किम में, और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, ये आपको पिछले कल की क्लास में बताया था। ये सिक्किम और तिब्बत को आपस में कनेक्ट करता है, यानी कि भारत और तिब्बत को आपस में जोड़ता है नाथुला दर्रा। तो दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये जो दर्रा है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये है व्यापार के लिए। आपको ध्यान रखना, जो भी ट्रेड होता है भारत और चाइना के बीच, जो भारत का बॉर्डर है वो सिक्किम के साथ साथ जो है वो तिब्बत के साथ भी लगता है, तिब्बत के साथ लगता है, तो ये उसी के साथ जो है वो व्यापार को साझ करता है, व्यापार को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पता होना चाहिए कि टोटल भारत के यूटी कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, राज्य कितने हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप। ये जो दादर, नगर हवेली और दमन द्वीप है, अब इनको जो है वो मर्ज कर दिया गया, अब ये इकट्ठे हो गए हैं। और लास्ट आपका ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। तो पिछले कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कवरत्ती है, ये हमारे भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा यूटी है। राज्यों की बात करें तो गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया वाइज जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, कहाँ पे स्थित है, अरब सागर में, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और कवरत्ती जो है वो इसकी क्या है, राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम के साथ जुड़ी है।
जो भारत का एक स्टेट है सिक्किम, जो कि भूटान, नेपाल और तिब्बत चाइना के साथ टच होता है। आपको बताना है कि जो सिक्किम है, गिरी सिक्किम का बॉर्डर है, तो सिक्किम भारत के कितने अन्य राज्यों के साथ, कितने अदर स्टेट के साथ बाउंड्री जो है वो शेयर करता है? 1, 2, 3 या फिर 4? इसका राइट आंसर रहेगा 1। सिर्फ एक राज्य के साथ जो है वो अपनी सीमा को ये शेयर करता है। इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। सिक्किम एक छोटा छोटा सा प्रदेश है, बिल्कुल छोटा सा। वहां पे ज्यादातर क्या है, पर्वत है, पहाड़ है, इसलिए इसको पर्वतीय प्रदेश भी कहा जाता है। इसके उत्तर में तिब्बत का पठार है, पूर्व में तिब्बत की चुंबी घाटी और भूटान है, पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में दार्जिलिंग है। सिर्फ एक राज्य के साथ कनेक्ट होता है। मैंने कंट्री की बात नहीं की, देश की बात नहीं की, सिर्फ भारत के राज्यों की बात की, तो वो है पश्चिम बंगाल के साथ ही टच होता है। पश्चिम बंगाल का कौन सा हिस्सा? दार्जिलिंग, जहां पे चाय जो है वो काफी उगाई जाती, काफी चाय के लिए जो है वो फेमस है, तो पश्चिम बंगाल के साथ ही टच करता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, बेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? देखिए, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके इस तरीके के भी रहते हैं। सिर्फ आपने वो ध्यान नहीं रखना कि 10 से 12 आपने जलप्रपात कर लिए और वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो भी सेंटर के एग्जाम है, अब आपको पता है जितने एग्जाम है सीबीटी वाले एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो उतना टाइम नहीं होता सोचने के लिए। तो ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो तो आपको सारे ही करने हैं, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट के अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं वो आपके मस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से बेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में है, ये पड़ता है मेघालय। मेघालय में बेनिया जलप्रपात है। ये आपके यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे उन्हीं से यहाँ पे डिटेल बनाई गई है। अब बेनिया जलप्रपात मेघालय में है। शिव समुद्रम काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा जाता है, ये आपका कर्नाटक में है। दूध सागर जलप्रपात भी काफी बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, ये गोवा में है। और चित्रकूट जलप्रपात ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है वहां पे आपका चित्रकूट जलप्रपात पड़ता है। तो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्लास जो है वो काफी अच्छी लगी। साथ साथ में आप नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। जल्दी ही कल की क्लास के साथ में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Ooh, 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 ooh